नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सैयद मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज़। जैसा कि हम आपको बता दें कि इस वक्त हम गुजरात राज्य के राजकोट जिला के जेतपुर में यहां पर उपस्थित हैं और यहां पर मुहर्रम का 9 और 10 तारीख का ये ताजिया जुलूस का यहां पर एहतमाम किया गया है और यहाँ पर आज 10वीं तारीख है और जगावाला चौराहे के पास यहाँ पर बोखला दरवाजा में मैं आपको बता दूँ, मेरे पीछे यहाँ पर लंगर जो इमाम हुसैन शहादत करबला की शान में ये जो लंगर यहाँ पे बन रहा है, ये तकरीबन पिछले 70 साल से ये लंगर हर साल मुहर्रम के 10 तारीख को यहाँ पे लगाया जाता है और हजारों लोग यहाँ पे लंगर खाना खाते हैं। मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, यहाँ पे शरबत का भी इंतजाम किया जाता है। आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ये जो लंगर खिलाया जाता है। यहाँ पे कुछ लेडीज भी है, जो हिंदू कारीगर भी है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फारूक भाई वगैरह इनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर ये मैनेजमेंट करती है। यहाँ पर हमारे साथ में एक हमारे भाई उपस्थित है, अनिप भाई। अनिप भाई क्या कहना चाहेंगे, आप लोग लंगर का इंतजाम करते हैं हजारों हुसैन की शहादत के वास्ते? हम लोग हर साल यही न्याज करते हैं और लोगों को खिलाते हैं और शहादत के वास्ते याद करते हैं। तकरीबन कितने लोग इस मेहनत में जुड़ते हैं, कितने दिनों से पहले से? 100 लोग जुड़ते हैं इसमें। और कितने लोग लंगर खाना खाते हैं? कम से कम 40 से 50 हजार लोग खाते हैं। अच्छा, और कैसा लगता है आप लोगों को ये लंगर बांटते हुए, कैसा लगता है? खुशी होती है। और क्या कुछ संदेश देना चाहोगे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में यहाँ पे देखने को मिलता है? बस यह इमाम हुसैन के शहादत के वास्ते जो भी हमारे से होता है वो नियाज करते हैं और यह शहादत मनाते हैं। तो देखा आपने, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में यहाँ पे लंगर बनाया जाता है। यहाँ पे सैयद सादत भी यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं पूरी टीम। सब क्या नाम है आपका? हुसैन बाबू। हुसैन बाबू क्या कहना चाहेंगे, आज इमाम हुसैन की शान में इतनी बड़ी जो लंगर यहाँ पे पिछले 70 साल से लंगर चल रहा है, खाना वगैरह जैसा कि कुछ पाव भाजी वगैरह हो गया, अभी हमने देखा शरबत बांटा जा रहा है, 3-4 आइटम यहाँ पे बन रही है, तो क्या कहना चाहोगे? शहीद करबला की याद में हम लोग ये एहतमाम करते हैं और न्याज बनाकर लंगर खिलाते हैं और सभी कौम हिंदू मुसलमान सभी लोग आके मिलजुल के काम करते हैं और मिलजुल के खाते हैं शहीद करबला की याद में। तो देखा आपने, ये भी अभी हुसैन बापू ने भी ये भी बताया कि शहीद करबला की याद में हिंदू मुस्लिम सारे ही कौम के लोग यहाँ पे लंगर खाना खाते हैं। हम आपको और भी यहाँ पे ताजिया का जुलूस जो अभी यहाँ पे आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज।
अहमद भाई क्या कहना चाहोगे आज मोहर्रम का आप लोगों ने शरबत बनाया गोशिया मिलाद कमेटी? गोशिया मिलाद कमेटी तरफ से तकरीबन 52 साल से बना रहे हैं शरबत का, मोहर्रम का न्याज और शरबत 52 साल से तकरीबन बना रहे हैं। और कैसा लगता है आप लोगों को शरबत का न्याज? अच्छा लगता है। और कितने जन अंदाजी शरबत पीते हैं? अंदाजी 400 से 500, अभी तो 1000 के ऊपर चले गए हैं। तो ये सब गोशिया मिलाद कमेटी के सब साथीदार, कितने लोग मिलके बनाते हैं शरबत? 10 लोग। अच्छा, आप देख सकते हैं लंगर हुसैन का ये शरबत बना रहे हैं, गर्मा गर्म शरबत। फिर इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह, ये भाई हमारे हिंदू कारीगर हैं। साहब क्या नाम है आपका? क्या बोलना चाहेंगे आप हिंदू मुस्लिम एकता के साथ? आप यहाँ पर शरबत भी बना रहे हैं मोहर्रम का शरबत, और कैसा लगता है आपको? हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं है, बस मनुष्य मानव है, बस वही सही है। कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? एकदम बढ़िया। क्या आपको श्रद्धा और किस तरह के आपको ये महसूस होता है? थैंक यू। मेरे पीछे यहाँ पे शरबत लंगर भी यहाँ पे बनाया जाता है, कम से कम ये 2000 लीटर तक शरबत। आप देख सकते हैं 4 पतीले जो बड़े बड़े यहाँ पे शरबत बनाया जा रहा है, जो इमाम हुसैन का लंगर यहाँ पे बांटा जाएगा अभी ताजिया जुलूस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोखला दरवाजा के जो ये शरबत का इंतजाम जो है यहाँ पे हुआ है, तो बोखला दरवाजा की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है, और इनकी जानिब से ये शरबत का यहाँ पर हजारों लोगों के लिए यहाँ पे शरबत बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शरबत ताजा तरोताजा शरबत यहाँ पे बनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ यहाँ पर शरबत बनाया जाता है। ये पूरा जगह वाला छोड़ा ताजिया कमेटी यहाँ पर पूरे देखभाल करती है।
तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी ताजिया जुलूस के लिए दही वड़ा देख के ही मन ललचा जाए, इस तरह दही वड़ा बनाया जा रहा है। और लंगर दही वड़ा का लंगर पूरा दही ये इस तरह से सजाया जा रहा है। मसाला हजरसा सकलैन ग्रुप की मेहनत और मशक्कत से लंगर हुसैन हजरसा सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया जेतपुर यूनिट का ताजिया जुलूस के लिए लंगर हुसैन आए, बहुत ही मेहनत कर रहा है, दही का पूरा कूलर बहुत मेहनत कर रहे हो, खाली देखो। हाँ, उनकी पूरी टीम हजरत शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया जेतपुर यूनिट लंगर यहाँ पे चालू कर दिया गया है। महिला है काफी ज्यादा न्याज खाने के लिए। दही वड़ा की भरपूर तैयारियाँ, दही वड़ा का लंगर हजरत शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया जेतपुर यूनिट की जानिब से ताजिया जुलूस को दही वड़ा का स्नैक्स। मैं आपको बता दूं कि जेतपुर में जो ताजिया जुलूस का भी यहाँ पे जो निकल जा रहा है, यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर खड़ी है जेतपुर पुलिस स्टाफ, पूरी यहाँ पर जो मैनेजमेंट और ट्रैफिक को व्यवस्था संभालते हैं, पूरे दो दिन मशक्कत करके जेतपुर की पूरी पुलिस टीम यहाँ पर लगी रहती है। यहाँ पर तकिया में और जगह वाले चौरा में जो अभी यहाँ पर ताजिया जुलूस जाएगा तो जेतपुर की पूरी पुलिस टीम जो है यहाँ पर मैनेजमेंट में लगती है। पूरा स्टैंड चौक में जो ताजिया का जुलूस 9 तारीख को निकलता है और 8-10 तारीख को भी अभी यहाँ से ताजिया जुलूस निकलने वाला है। ये जेतपुर का पूरा एमजी रोड इलाका है और आप देख सकते हैं कि पुलिस टीम जो रात दिन रात यहाँ पर तैनात रहती है, किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, किसी को दुर्घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए जेतपुर पुलिस टीम पूरी सेवा में लगी रहती है। आप देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है बंदोबस्त में। Come on.
जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो दो दिन पहले हमने आपको जो ताजिया बताया था, डायमंड अमेरिकन डायमंड का ये आप देख सकते हैं, पूरा बनने के बाद जो इसका गेटअप है कुछ और ही रंग बता रहा है। कल ताजिया मातम में आया, लेकिन कल बारिश की वजह से पूरा प्लास्टिक से कवर किया गया था, लेकिन आज बारिश रुकी हुई है, पूरा ताजिया को खुला कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको दो दिन पहले जो बनता हुआ ताजिया हमने बताया था, यही वो अमेरिकन डायमंड का ताजिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से काम को अंजाम दिया गया है इसको। देख सकते हैं जो गेटअप जो है बनने के बाद कुछ अलग ही रंग का। लुक्स है तो एकदम ही कुछ अलग ही शान और कलर दिखा रहा है।